thank you for giving me such a wonderful it's a privilege to give a one hour yeah 40 to 45 minutes with you all आज हम लोग बहुत ही एक अच्छा समय बिताएंगे yeah, 40 to 45 minutes तो so, मैं शुरुआत करने से पहले मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ. मेरा नाम है जयदीप और मैं बिलोंग करता हूँ. जैसे भाई ने बताया कि मैं अगरतला से बिलोंग करता हूं ऑलराइट अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है और ये नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है और मैं पर पर ही स्कूलिंग कंप्लीट किया यहाँ पर ही एक कॉलेज है है जो के, के, तो के बाद लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस हुआ था मेरा बहुत ही बचपन से मेरा शौक था कि मैं बड़े होकर एक सी बनूंगा चार्टर अकाउंटेंट तो टेन में जैसे कि मेरा खत्म हुआ टेन तो टेन में अच्छा मार्क्स मिला तो मैंने सोच लिया कि मैं सीए ए पर सी में स्टडी करूंगा तो इसके लिए कॉमर्स मुझे चुनना पड़ेगा लेकिन घर से अलाउ नहीं हुआ था कि अगर तुझे पढ़ाई करना है तो एक ही स्ट्रीम है साइंस लेकर तुझे पढ़ना है आई डोंट नो आज भी मुझे पता नहीं था कि साइंस में क्या है आर्ट्स में क्या है कॉमर्स में क्या है आई डोंट नो लेकिन आ, घर से प्रेशराइज हुआ था कि अगर तुझे कुछ कामयाब करना है तो तुझे साइंस ही लेना है ओके वेरी गुड मैंने साइंस लिया साइंस में 11 12 मेरा अच्छा था 12 में भी अच्छा हुआ और जॉइंट uh, भी मैंने क्रैक किया उसके बाद उसके बाद और एक बहुत ही शानदार इंसिडेंट हुआ मेरा मन था कि मैं ऑटोमोबाइल मेरा गाड़ी का बहुत शौक है तो मेरा दिमाग में आया था कि मैं ऑटोमोबाइल में, में इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा और NIT सूरतकल गोल के कॉलेज है जहां पर जहां पर आया, मेरा भी uh, सिलेक्शन हो गया था लेकिन घर में प्रेशराइज हुआ कि अगर तुझे ऑटोमोबाइल लेकर पढ़ना है तो तुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा तुझे सिविल इंजीनियरिंग ही बनना है राइट? तो मैंने मैंने सोच लिया ओके थैंक यू सो मच सिविल इंजीनियर लेकर में एडमिशन हो गया मेरा उसके बाद तो धीमे धीमे करते करते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर करते करते फाइनल ईयर में जैसे ही गया तो वहां पर एक चक्कर आ गया कि तुझे कौन सी नौकरी चाहिए कहाँ पर नौकरी करेगा तो ऑन प्लेसमेंट में आई डोंट नो बाय द विश

एक कंपनी uh, मैंने देखा था बहुत पहले इन ईयर 2002 बोला था लेकिन मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग बस uh, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते और बहुत ताल, लोग तालियां बजाते हैं मैंने वो चीज जब मैं क्लास फोर में था तब मैंने देखा था लेकिन उसके बाद लगभग सोलह साल सत्रह साल से मेरा कोई मतलब रिश्ता भी रिलेशन नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता ही नहीं था लेकिन उसके बाद आई एम थैंकफुल टू माई ग्रेट अपलाइन मिस्टर शांतन पॉल सर जो भी आज योथ आइकन है हमारा अगरतला से और अक्रॉस द इंडिया पे उनका नेटवर्क है तो आई एम वेरी मच थैंकफुल उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया नेटवर्क मार्केटिंग तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही मुझे इंट्रोडक्शन हुआ था तो शायद आप लोगों भी बहुत सारे ऐसा गेस्ट है हमारे साथ अभी है जो नया है तो मेरा भी मन में बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत पैसे की बात हो रहा है लाखों रुपए का चेक गाड़ी का चेक मुझे बहुत ही अच्छा लगा लेकिन आ, मैंने जब पहली बार शांतन भैया से मेरा सर से मेरा मुलाकात हुआ तो प्लान होने के बाद मैंने बोला ये तो बहुत ही आसान काम है बहुत ही आसान काम है ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा तो रात को जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन रात को मैंने मेरा अपलाइन को मैं बोल रहा था कि सर मैं एक काम करूंगा छह लोगों को पकड़ूंगा उनको दो लाख दो लाख सामान उठा दूंगा तो मेरा चेक तो एक लाख बन जाएगा तो मेरा अपलाइन ने बहुत ही अच्छा शानदार जवाब दिया कि सेकंड मंथ तू क्या करेगा मैंने बोला हाँ ये तो सही है

Uh, क्योंकि मेरा नौकरी भी मिल गया जो जैसे एक लाइफ होता है तो इंट्रोडक्शन किया, तो मेरा, मेरा फोन किया फोन करके मैं, मैं नौकरी में नहीं करूंगा नौकरी वोकरी में कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर तो आमिर की बात हो रहा है दो लाख तीन लाख दस लाख पापा देखो ये लाइफ होता है उसके बाद मेरा गर्लफ्रेंड को बताया कि मैं नौकरी में नहीं जा रहा हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा देखो यहाँ पर बंदा ने किया वो बंदा ने किया देखो मैंने मेरा अपलाइन का चेक दिखाया उस टाइम शायद सिद्धार्थ सर uh, का फोर्टी थर्टी सेवन फोर्टी लाख का आसपास का चेक था तो मैंने दिखाया देखो फोर्टी लाख ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ तो इस टेप जो पहली पहली जो होता है ना मन में बहुत सारे सपने दिखाऊंगा ये करूंगा तो देखो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उस टाइम जब मैंने मेरा मामी को बोला पापा को बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा उसी टाइम से पहला दिन से सेकंड दिन से चैलेंजेस शुरू हो गया था सेकेंड डे से चैलेंजेस शुरू हो गया था मम्मी ने बोला तू तेरा जो मन चाहे तू कर तेरे साथ कोई बात ही नहीं होने वाला है कुछ नहीं होने वाला है बहुत अच्छा हुआ पापा ने गालिया दिया मेरा एक अंकल है जो प्रोफेसर है आप जानते हो प्रोफेसर तो हमेशा जो बोलते हैं वो एक बहुत एक एनर्जी उनका हाई रहता है तो बोलता है मेरा पापा को बोलते हैं भैया ये क्या कर रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी कह, कहाँ पर वो फंस गया ये क्या करेगा नौकरी मिल गया नौकरी मिलना इस टाइम तो आसान नहीं है वो बोले नौकरी नहीं करेगा तो मैंने भी सोच लिया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया तो मेरा कोई टेंशन आ, आने लग गया मे बी मेरा क्या करूं अभी उसके बाद मैंने मेरे मेरे गर्लफ्रेंड को बताया कि यार क्या करूं उसी टाइम गर्लफ्रेंड ने एक अच्छा जवाब दिया गर्लफ्रेंड ने बोला अगर तुझे मेरे साथ शादी करना है अगर तेरे तुझे मेरे साथ शादी करना है तो तुझे नौकरी करना पड़ेगा तो यार मे भी बहुत आ, मतलब एक होता है ना एक एल्गोरिगम में फंस गया मैं क्या यार नौकरी करना है तुझे शादी करने के लिए नहीं मैं नौकरी भी नहीं करूंगा तुझे शादी अगर तू रहना तू ही रहे अगर तुझे तु तु करते -करते, उसी 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 रिलेटिव्स ने मना किया था अपलाइन मना रिलेटिव्स अरे, अरे, अरे 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 ने मना किया था मना किया था पापा ने मना किया था गर्लफ्रेंड ने मना किया था लेकिन एक व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहते वो मेरा अपलाइन है पहला दिन दिन से वो बोलता यार 162 नेक्स्ट नेक्स के, करने के बाद क्योंकि उस टाइम मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इतना आता भी नहीं था मैं सीख रहा था पहली पहली बार तो थर्ड सेकंड मंथ में मेरा जब थ्री था कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं था फ्रेंड्स नहीं था रिलेटिव नहीं था अब uh, मेरा गर्लफ्रेंड uh, भी नहीं था मम्मी भी नहीं था पापा भी नहीं था लेकिन एक व्यक्ति जो मेरे साथ हमेशा रहे वो मेरा अपलाइन एट द अपला थर्ड मंथ में भी सेम सेम चीज third month में भी, same चीज थर्ड मंथ भी मेरा चेक है था है आस पास एक व्यक्ति न मम्मी थे न पापा थे न गर्लफ्रेंड थे न रिश्तेदार थे न रिलेटिव्स थे कोई नहीं थे लेकिन एक व्यक्ति हमेशा मेरे साथ थे वो मेरा अपलाइन चौथी महीना चौथी महीना नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड इनकम तो मैं आ, घर आके मैं घर आके मेरा मैं घर आके मेरा पिता पा, पिताजी को मैंने दिखाया कि पापा देखो क्या चेक है 162, 327, 900, अगर नौकरी पे ऐसी चीज कब मुझे मिलेगा पापा ने बोला अच्छा ठीक है तू करते रहे मैं देखना चाहता हूँ तू करते रहे करते रहे अभी कोई टेंशन नहीं तू घर में भी रहना शुरू कर मैंने बोला पापा एक साल में घर में पे नहीं रहूंगा मैं चला गया कोलकाता पे मैं और मेरा अपलाइन एक साथ एक फ्लैट ले लिया और मैं और मेरा अपलाइन उस टाइम उस टाइम आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग पे इनिशियली जेब में पैसा नहीं है जेब में पैसा नहीं है इनिशियली जो होता है

सात दिन हम लोगों ने कोई चावल देखो यहाँ पर हम लोग बेंगोली पीपल्स है और आप जानते हो बेंगोली पीपल्स का आप सबसे मेन जो फूड है वो चावल राइट हम लोग सात दिन में और मेरा प्लान कोई कुछ नहीं खाया, लेकिन मीटिंग 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 करते करते आज लगभग मेरा टीम में अभी लगभग सिक्सटी टू थाउजेंड पीपल अक्रॉस द इंडिया ऑलरेडी जुड़ चुके हैं राइट और ऐसे भी आपके साथ भी होगा ये करते करते चौथा महीना पांचवा महीना ट्वेल्व थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड ये करते कर लेकिन चैलेंजेस ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं

नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है ये स्कैम है फ्रॉड है बहुत कुछ बोलेगा आपके साथ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है शायद लेकिन जब मैं पहली बार फॉरेन ट्रिप में पहली बार फॉरेन ट्रिप में गया था इंटरनेशनल फ्लाइट दोस्त रात को साढ़े ग्यारह मेरा फ्लाइट था और मैं मेरा अपलाइन और मेरा एक टीममेट्स मेरे साथ बैठा हुआ था एक साथ बैठा हुआ था हम लोग राइट और जब देख रहा हूं ना नीचे तो मुझे एक चीज एक चीज समझ में आया एक डिसीजन लाइफ को चेंज कर सकता है एक डिसीजन शायद आप आज भी सोच रहे हो क्या करूंगा होगा कि नहीं होगा हाँ दोस्त ये होता है होगा कि नहीं होगा ये होता है लेकिन दोस्त एक डिसीजन आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं देखो बहुत सारे लोग आज भी आपको मार्केट पे ऐसा लोग मिलेगा लोग बोलते हैं है, तो को देखा हूं मैं को देखा हूं बोलेगा लेकिन एक चीज में बोलता हूं मैंने वेस्टिज को देखा नहीं हूं मैंने वेस्टिज को सीखा हूं हूं मैं वेस्टिज को सीखा आज शायद आज सीखने के लिए सीखने के लिए मैं पहली बार एक चीज और जब मेरा इनिशियल एक साल दो साल तीन साल आज भी आज भी आज भी एक ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं मिस करता हूं ट्रेनिंग मीटिंग आपको जाना चाहिए हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग आपको आना चाहिए आप आओगे और आपका टीममेट भी आएगा तभी तो जाकर एक बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो ट्रेनिंग मीटिंग जिंदगी में कभी मिस करना मत मिस करना आज शायद आप डायरी और पेन लेके बैठा हो राइट डायरी और पेन लेके आपने बैठा हो यहाँ पर आज राइट आप, आप नोट बना रहे हो हाँ दोस्त शायद आज फोर्टी मिनट्स आप जब ट्रेनिंग लेने जाते हो हाँ पूरा का पूरा आप नोट नहीं बना पाओगे नोट नहीं बन पाओगे पूरा का पूरा लेकिन आज दस परसेंट लिख लो एक लिख लो दो लिख लो हाँ दोस्त आज से पांच साल बाद दस साल बाद जो आपने नोट्स बनाया उसका सिर्फ हवा है ना लोगों को दिखा देना लोगों को लगा देना आपका हवा जो आपका किताब पे लिखा हो ना अपने डायरी पेन पे ये नोट्स बना रहे हो दिन 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 नोट्स बना रहे हो आपका नोट्स बना रहे हो नोट्स बना रहे हो आज से दस साल बाद ये जो नोट्स आपने बनाया ना लोगों को सिर्फ उसका हवा दे देना लोग ऐसे सफल बन जाएंगे लेकिन नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आज भी आप देखने पाओगे यहाँ पर मेरा भी यहाँ पर जितने सारे डायरी फुल एंड फुल डायरी फुल एंड फुल मैं लिखता हूँ हमेशा लिखता हूँ हमेशा नोट करता हूँ और आपको भी नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसे करते करते मेरा पहला फॉरेन ट्रिप हुआ था इंडोनेशिया वाली उसके बाद सेकंड फॉरेन ट्रिप ये भी बहुत मजेदार हुआ था मेरा और मेरा चार टीम के साथ मैंने गया था ट्रिप जो हमारा था एंड दुबई आबुधाबी अंधुबाई इज जर्नी हाँ दोस्त बचपन पे बचपन पे शौक था घूमने का बहुत शौक था घूमने का यहाँ पर जाएंगे वहां पर जाएंगे ऐसा शौक होते आपके पास भी बहुत सारे शौक है ऑलरेडी आपके पास भी ऐसा ड्रीम्स है लेकिन हाँ दोस्त जब मैंने दुबई और धाबी पे गया था द रोलर कोस्टर कोस्टर का बहुत शौक था, बहुत की बहुत 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 फोटो लिया बहुत घूमा फिरा उसके बाद सिद्धर सर से मुलाकात हुआ हमारा कौशिक गोस्वामी सर हमारा अशोक गोस्त सर सबसे साथ मुलाकात हुआ और हुआ से धीमे धीमे करवा और बढ़ते जाया उसके बाद मेरा पहली बार जिस दिन जिस दिन मेरा गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ के चला गया था उससे एक साल बाद वो डेट था, आज भी मुझे याद है 15th अप्रैल 2015 15th अप्रैल 2015 जिस दिन मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया था ना उसी एक साल बाद आप मुझे मेरा फेसबुक में भी चेक कर सकते हो 15th अप्रैल 2016 15th अप्रैल 2016 मेरा पहली गाड़ी मेरे घर के नीचे था एक चीज बोलना चाहता हूं आज शायद गर्लफ्रेंड का है मुझे पता नहीं राइट लेकिन मेरे पास अभी मेरा एक बीवी है बहुत ही अच्छा है बहुत ही वो भी नेटवर्कर है और बहुत ही हम लोग एक साथ मिलकर बहुत जम के काम कर रहे हैं और आज आज आ, मेरा आज से दस दिन पहले मेरा एक बेटा हुआ है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू एवरीथिंग देखो मेरा सब चीज मेरा दोस्त से पहले पहले होता है मैं पहली बार बोलता हूँ मैं जब पहली बार स्कूल में था ना मेरे पास पहला फोन आया था मेरे दोस्त के पास फोन नहीं था उसके बाद मेरा बाइक पहले हुआ था उसके बाद मेरा गाड़ी पहले हुआ था, उसके पहले आया था। और आज से, आज से मेरा बेटा भी आया और मेरे पास पहला लग्जरी गाड़ी भी आएगा ये बहुत ही इसी साल 2021 में मेरा लग्जरी गाड़ी आने वाला है तो मैं ये ड्रीम्स करते करते बहुत सारी चीज उसके बाद मेरा और एक और एक जर्नी रहा था मेरा

मिडिल क्लास फैमिली आप फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आते हा? पैसे लेकर पैसे बोलते पैसे से खुशी नहीं आते क्या, क्या सुनने को यार? मैं आज भी सुनता हूँ अंबानी कन भाई है खुशी आ सकते हैं मानी पे लेकिन अगर आपके जेब में पैसा नहीं है ना तो खुशी नहीं आ सकते दोस्त क्या करोगे राइट right? उसके बाद मेरा जब पहली बार जो बोलना सोच भी नहीं सकते वो भी होता है वो है मेरा जर्मनी ऑस्ट्रिया सोचो ना का बंदा जर्मनी पे जर्मनी पे जर्मनी उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था स्लोबा किया बोल के और एक कंट्री है वहां पर हम लोगों ने लंच किया था और ऑस्ट्रिया बोल के और एक कंट्री है जहां पर मैंने डिनर किया था अब सोचो ना कहां पर मिलेगा इसी जिंदगी ये वेस्टिज में पॉसिबल है ये वेस्टिज में ही पॉसिबल है लेकिन एक डिसीजन आपका लाइफ बदल सकते हैं, आपका लाइफ बदल सकते हैं एक डिसीजन, तो है। बताया मेरा जब पहली बार 162 आया था, तो एक मेरे साथ थे वो मेरा अपलाइन जब मैंने फर्स्ट फॉरेन ट्रिप गया था मेरे साथ एक व्यक्ति थे वो मेरा अपलाइन जब मैंने गाड़ी लिया तो मेरे साथ एक व्यक्ति थे वो मेरा अपलाइन जो मेरा आ, जर्मनी वोस्टियस नो बाकी था कोई नहीं था मेरा एक ही व्यक्ति था मेरा अपलाइन राइट आज शायद आज शायद आपका अपलाइन आपका दोस्त हो सकता है आपका अपलाइन आपका टीचर हो सकता है आपका अपलाइन आपका भाई हो सकता है आपका अपलाइन आपका आंटी हो सकता है आपका अपलाइन आप अंकल हो सकता है लेकिन इस बिजनेस पे उनको रिस्पेक्ट और एक साथ एक साथ बहुत सारे लोगों मैंने देखता हूं कि यार हां सोचो क्योंकि यहां पर आ, मेरे भाई है जो मुझे इंट्रोड्यूस किया सोचो कि वो मेरा अपलाइन है राइट सोचो वो मेरा अपलाइन है सोचो कि उनका चेक है 200 रुपए और मेरे मैंने मेरा चेक है 50 रुपए बहुत से लोग क्या करते हैं उनका जो अपलाइन जो उनका जो अपलाइन जो एक लाख रुपए कमाते हैं ना उनके साथ बहुत दोस्ती करने का कोशिश करते हो दोस्ती करो लेकिन जो 200 रुपए कमाता है ना जब एक बात सोच लो तुम और तुम्हारा अभी पचास रुपए है और तुम्हारा अपलाइन का चेक है दो सौ रुपए जब तुम एक साथ जितना रेस्पेक्ट करोगे उतना ही रेस्पेक्ट आपको मिलेगा अब जानते सुनने को बहुत मैं एक दिन भी नहीं होता मैं मेरा अपलाइन से बात नहीं करता ऐसा कभी नहीं हुआ कल भी हम लोग लगभग पांच से छह घंटे एक साथ थे उससे पहले एक मिनट के लिए भी मैं बात करता हूँ कैसे हो क्या खाना लेकिन आज आज तक मैं और मेरा अपला कभी बिजनेस लेकर कभी बात नहीं करता ये जो एक साल में जो बिजनेस हुआ था वही हो गया लेकिन पांच साल हो गया छह साल ऑलरेडी हो चुके अभी भी हम लोग बिजनेस से लेकर कोई बात ही नहीं करते कैसे करना है क्या करना है कोई नहीं कैसे हो क्या खाना खाया क्या करते हो लेकिन अभी जो रिश्ता है ना वो बहुत पावरफुल है बहुत ही पावरफुल है तो हमेशा अपलाइन के साथ एक साथ रहिए देखना एक दिन अपलाइन भी जीतेगा आप भी जीतोगे ये करते करते ये करते करते ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बहुत कुछ सिखाया देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज याद रखना जो होता अच्छे के लिए होता है जो होता अच्छे के लिए होता है नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप सही तरीके से करते हो ना यू विल बी ब्लेस्ड विद मिरेकल्स मिरेकल्स का मतलब क्या है हाँ मैं चीज एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों को यार अब कितने सारे लोग यहां पर चुके कितने सारे लोग हैं जो सैनिटाइजर यूज करते हो आप लोग अगर यूज करते हो तो आप हाथ भी उड़ा सकते हो यार चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो कि यार हाँ मैं सैनिटाइजर बहुत यूज करता हूं ओके ग्रेट 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 टू सी एवरीवन इज यूजिंग सैनिटाइजर वाओ ग्रेट ग्रेट

जो बिजनेस कर रहे है उनका चल नहीं रहा है उनका चल नहीं रहा है चल नहीं रहा है चल नहीं रहा है कोई डॉक्टर यूज करता है कोई नर्सेज यूज करता है और इस बीच में बारह से पंद्रह साल के बीच में बहुत सारे ऐसे सैनिटाइजर कंपनी भी बंद हो चुके हैं क्योंकि उसका चल नहीं रहा है लेकिन जो मार्केट पे जो मार्केट पे डटे हुए थे सैनिटाइजर का बिजनेस कर रहा था मार्च का ट्वेंटी सेकेंड के बाद आज ऐसा बहुत सारे सैनिटाइजर का मालिक है जो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं तो आपको खेलना है आपको खेलना है बीच में क्या होते है ना बीच में चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं मुझे आज भी याद नहीं है। आज भी मेरा आज भी एक दिन छह साल हो गए मेरा आज भी ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे मन में नहीं आया कि मैं क्विट कर दू हां दोस्त सच्ची में बता रहा हूं मैं क्विट कर दू आज आप लोग आप लोग लो सोचोगे कि, कि आप तो सफल बन गए आप तो ये हो गए आप तो वो हो गए अब आप, तो आप तो आज बोलोगे मुझे बहुत गैस दो दोगे कि क्विट क्विट नहीं नहीं करना अगर एक व्यक्ति मुझे मना करता है ना तो मैं पांच के पास चला जाता हूं अगर तो मैं ऐसा मेरा माइंडसेट बना लिया था तू मुझे मना कर रहा है ना, एक दिन मैं तुझे दिखाऊंगा ऐसा मेरा माइंडसेट था पहले पहले और ये जो एग्रेसिवनेस है ना ये आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा और आपको जब ट्रेनिंग में आते हो ना सब एक साथ एक ही बात बोलते हैं यार क्या माइंडसेट होना चाहिए ड्रीम होना चाहिए फोकस होना चाहिए आज शायद आप भी सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आज भी यही सुन रहे हो कि सपना होना चाहिए सपना 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 ये सोच रहे हो लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ हाँ सुनो ये सुनो ये आपको कामयाबी तक ले जाएगा देखो यहाँ पर बोलते हैं ना ब्रेन वॉश होते है बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर वेस्टिज में ब्रेन वॉश होते हैं कितने सारे लोगों ने सुना है कि ब्रेन वॉश होता है मैंने तो सुना है बहुत सारे बार आप ब्रेन वॉश होते हैं सच्ची में होते ब्रेन वॉश मैं तो बोलता हूँ अपलाइन ने बैठा हूँ मेरा, मेरा तो ये घर भी मैं, ये थ्री स्टोरी बिल्डिंग है और ये छह साल में मैं पहली बार मैं, मैं जो पहला मेरा घर था ये बहुत ही छोटा था और आज थ्री बिल्डिंग एट ए टाइम मैंने ये नोवर ट्वेंटी को लास्ट ईयर मैंने ये किया वेस्टिज से तो इट्स अ वंडरफुल थिंग और व्यस्टिज जब आप करते हो ना आप जब सुनो अपलाइन जो बोलते हैं ना सपना देखो सपना देखो सपना देखो हाँ दोस्त सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी देख सकते हो मेरा अभी यहां पर भी देख सकते हो मेरा यहाँ पर देखो मैं अभी भी ये देखता हूं ट्रेनिंग के सामने देखो मर्सिडिस से खड़ा हूं मैं राइट ये मर्सिडिस से मैं खड़ा हूं और ये गाड़ी भी विद इन मे टू अप्रैल में अप्रैल या मे में आने वाला है क्यों सपना देखना जरूरी है बचपन में कोई मुझे सिखाया नहीं सपना देखो बचपन ने किसी ने बोला नहीं कि एक लाख तू कमा सकता है बचपन ने कोई नहीं बोला तू मर्सिडीज तू चढ़ सकता है लेकिन दोस्त ने मुझे सिखाया और जब बोल दो ना सपने की बात तो मुझे बहुत खुशी लगता है आज ये करते करते जो आपका सामने में अभी था पहली चेक मेरा वन सिक्सटी टू और आज लगभग थ्री लाख एटी थाउजेंड थ्री लाखी थाउजेंड वॉज माई चेक हाइस्ट चेक और इसी मान शायद ये पांच लाख होने वाला है क्योंकि मेरा बेटा आ गया और मैं अभी बहुत ही बहुत ही शिद्दत के साथ और और में काम कर रहा हूँ और आगे आगे देखना कि बहुत ज़्यादा दूर, दूर नहीं होगा कि आप लोग आप लोग भी कामयाब बन सकते हो दोस्त आप लोग भी कामयाब बन सकते हो एनर्जी एनर्जी बहुत ही हाई होना चाहिए ये बहुत सारे लोग ऐसा बैठे हुए हैं यार बोलते रहो करते रहो ठीक है बोलो तुम क्या बोलोगे मुझे क्या सिखाओगे मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है देखो ये एक बोतल है राइट आप देख पा रहे हो मुझे बोतल देख पा रहे हो सभी सभी देख पा रहे हो मेरा बोतल यहाँ पर रहते हैं सब गरीब आदमी समझ पा रहे हो ना सब गरीब आदमी जो घर नहीं है कुछ नहीं है समझ पा रहे हो ना जो रास्ते पे रहता है सब गरीब आदमी यहाँ पर रहते हैं और यहां पर रहते हैं सब रिच अमीर आदमी अंबानी बोलो ये बोलो टाटा बोलो जो जो अमीर बालीसार बोलो यहाँ पर सब रहता है समझ पा रहे हो राइट हम लोग अभी कहां पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हम लोग है ना ये बीच में हम लोग ये बीच में है राइट क्या बोलते हैं ना मिडिल क्लास अभी ये जो मिडिल क्लास है ना इसका बहुत सबसे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक क्या चीज है जानते हो ना ये ना नीचे नामना चाहते हैं ना नीचे जाना चाहते हैं ना ऊपर जाना चाहते हैं और ये मिडिल क्लास के पास है ना इस पृथ्वी में इस पृथ्वी में कोई सवाल उनको छोड़ दो आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा कोई भी सवाल मोदी कैसे देश चला रहे हैं उनके पास बोल दो अभी देश चला के दिखा देगा विराट कोहली कैसे खेलता है धोनी कैसे खेलता है सब जवाब उनके पास होते हैं और इसीलिए इसीलिए उसका ग्रोथ कम है इसीलिए मेरे सर सोच इतना ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन मैं हमें एक चीज बोलना चाहता हूँ हाँ दोस्त यहाँ पर बैठ के भी आप यहाँ पर जा सकते हो सिर्फ एक चीज आपके साथ लगा देना है यहाँ पर जितने सारे अमीर लोग है ना ये सीखते हैं देखना आप जब दीपक सर या कोई आपका जो सिद्धर सर से बात करते हो या कोई भी बड़े आदमी कोई भी आपका मोहल्ले पे कोई भी बड़े आदमी के साथ बात करो वो सुनते हैं वो आपकी बात ध्यान से सुनते हैं लेकिन हमारा क्या होता है हम लोग सुनते नहीं क्या बोलोगे यार दीवान भाई तू क्या बता रहे है तेरा बी एमडब्ल्यू है ये है यार ठीक है तू बोलते रहे मेरे पास हाँ कस का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम कुछ नहीं है कर कर लिया पूरा दो जीरो, जीरो मैं कुछ नहीं जानता मुझे सीखना है मार्केटिंग प्लान नहीं आते सीखना है प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं आते सीखना है कम्युनिकेशन नहीं आते सीखना है सब कुछ सीखना है कहां पर आपका आपका टीचर कौन बेस्ट होगा आपका अपलाइन उनके पास चले जाओ यार मैं तुझे साल 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 दो दो साल, साल दे रहा राइट के साथ, जान लगा देगा। आपको बनाएगा। और देखो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं अपलाइन को ऑर्डर देते दे। हाँ तू मेरा मीटिंग कर दे यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो लाखों रुपए का चेक कमाना चाहते हैं सब चाहते हो ना लाखों रुपए का चेक वाओ यस 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 अच्छा गाड़ी कौन लेना चाहते हो वाओ वंडरफुल ओके फॉरेन ट्रिप कौन जाना चाहते हो वंडरफुल वंडरफुल यार बहुत एक्साइटेड है बहुत यार स्नेहा गुड, शिवा शिवम वाह ग्रेट 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 घर कौन बनाना चाहते हो वंडरफुल ग्रेट वंडरफुल ग्रेट 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 टू सेवरी वन मीटिंग कौन करेगा मीटिंग कौन करेगा अपलाइंग मीटिंग कौन करेगा लाखों रुपए का चेक मुझे चाहिए फॉरेन uh, ट्रिप मुझे चाहिए गाड़ी मुझे चाहिए ये मुझे चाहिए मीटिंग कौन करेगा मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं अप्लाइंग करेगा तो अपलाइन के पास गाड़ी आएगा बंगलो आएगा सब कुछ आएगा आपके पास कुछ नहीं आएगा मीटिंग आपको करना पड़ेगा हाँ मुझे पता है मेरा अपलाइन मेरा चाची के पास गया था राइट चाची के पास गया उसके बाद जब मैंने चाची को मीटिंग करना चाची को बहुत अच्छा लगा मेरा अपलाइन अपलाइन तो बहुत अच्छा बोलते तब मैंने मीटिंग करना सीखा नहीं था राइट मे भी मे भी बहुत सारे लोग जैसा ही था अपलाइन मीटिंग करो मीटिंग करो मीटिंग करो मीटिंग करो मीटिंग करो मीटिंग करो राइट ये करते करते मेरे चाची के घर में पहुंच गया और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर और चाची को बहुत अच्छा लगा मेरा अपलाइन को शायंतन भैया को बहुत ही अच्छा लगा उसके बाद नेक्स्ट दिन सेकंड डे मीटिंग को बोलता है कि शायतन तुझे आना है संडे को तो शायंतन भैया बोला की संडे को अवेलेबल नहीं हूँ जयदीप आएगा मीटिंग कर बोलते जयदीप से कुछ नहीं होने वाला है जय से कुछ नहीं होने वाला तू अगर होते तब भी मीटिंग होगा उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया यार नेक्स्ट डे से मीटिंग मैं खुद करूंगा तुझे करना है कर तुझे नहीं करना है नहीं कर लेकिन यार जब मैं जाता हूं ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूं मीटिंग करने जाओगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब जब मीटिंग करने जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा ये बहुत ही बहुत ही मतलब जाने से पहले जाने से पहले उनका यहाँ पर एक दर्द होता है छोटा छोटा करके ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा ज्वाइन करेगा करेगा कि नहीं दोस्त मैं, जाता हूं। मैं, जाता हूं और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ मुझे पता नहीं वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा लेकिन मैं मीटिंग पे हंड्रेड परसेंट में बेच देता हूं अगर ज्वाइन करता है थैंक यू सो मच वेलकम इन माई टीम अगर ज्वाइन नहीं करता थैंक यू सो मच फॉर ही होना चाहिए नेपाल में चला गया बांग्लादेश में चला गया तो, तो लोगों का थोड़ी कमी है राइट तो यार जब मीटिंग करते हो ना हंड्रेड परसेंट आपका बेच देना हाँ यार आज आज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को शायद जिन जिन लोगों को आप सीरियस हो आपका ड्रीम को लेकर आज एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को बोलना के बारे में एक व्यक्ति को वो करे करे या नहीं करे, आज शायद आप पे हो आपका मम्मी को जाकर प्लान दिखाओ आपको पापा को जाकर प्लान दिखाओ यार करते 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 करते, करते लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं बिकॉज सक्सेस इज नॉट बाई चांस सक्सेस इज बाई चॉइस बहुत सारे लोग शायद यहां पर हम लोगों ने अटेंड भी किया सक्सेस इज नॉट बाई चॉइस राइट और सक्सेस कंटिन्यूअस प्रोसेस चैलेंजेस आएंगे चैलेंजेस फेस करेंगे और जीत हमको ही मिलेगा इस तरह की माइंडसेट से आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो बहुत ऊपर तक जा सकते हो इस तरह की माइंडसेट से ऑब्जेक्शन आएंगे चैलेंजेस आएंगे जब आप जाते हो ना मीटिंग के समय राइट right? क्या होते हैं ना आप ऐसे ही चाहते हो कि यार मैं जाऊंगा लोग मुझे बोलेगा तीन हजार रुपए ले ले में कितना क्या क्या सामान है मुझे दे दे राइट right? आप सोच के देखो एक चीज कभी ऐसा हुआ आपके साथ कोई इंसिडेंट आपने कोई फ्रिज का दुकान पे गया हो और आपने बोला दुकानदार को यार दादा ये पैकेट करके दे दो आपने कभी नहीं बोला आप क्या करते हो बाहर से बोतल लेकर जाते हो और दो घंटा उनके अंदर में उसको बिठाते हो और दो घंटा बैठे रहे तो देखते हो कि फ्रिज का टेम्परेचर अच्छा है कि नहीं समझ पा रहे हो ना यार ये बात तो बहुत बड़ी हो गई आप लोग बहुत से लोग बाजार पे जाते हो ना बहुत सारे लोग बाजार पे जाते हो तो एक आता है ना बनाना जिसको बोलते कला राइट बनाना आप लोग बहुत सारे लोगों ने परचेस किया राइट तो जब जाते हो ना बोलते कि चार का भैया तो कितने करके आपने आप पूछ तो दुकानदार को बोलते यार चार केला चार बनाना ट्वेंटी रुपीज बोलते आप बोलते भैया इतना दाम तो बोलते भैया ये तो चाइना का है ये बनाना चाइना के बहुत सारे तो बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए इतना ये पास का दुकानदार है ना ये ये तो दस में बोल रहा है तब ये दुकानदार बोलते यार ये जो पास का कला है ना ये बहुत घटिया है इसमें दाग है ये है वो है एक बीस रुपए का सामान खरीदने में इतना चैलेंजेस आते हैं और एक लोग आपके साथ जिंदगी देने के लिए तैयार है तो ये क्या सवाल नहीं पूछेगा सवाल पूछेगा सवाल पूछेगा सवाल पूछेगा और ये सवाल आपको आपको एक टाइगर की तौर आपको ये फेस करना बोलना है अब देखो जितना मीटिंग करोगे अब जितना मीटिंग करोगे जितना मीटिंग करोगे जितना लोगों के साथ मुलाकात करोगे ना उतना ही आपके लिए फायदा है और बहुत सारे लोग और एक पॉइंट है जो मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा इसको बोलते हैं लिस्ट लिस्ट बहुत सारे लोगों के पास मैं अभी मैं भी अभी, अभी अगर बोलता हूँ ना कितने कितने लोगों के पास लिस्ट है सब बोलेगा लेकिन देखना दस लोग है बीस लोग है तीस लोग है चालीस लोग है सो लिस्ट आपको बनाना है लिस्ट आपको बनाना है अगर आप सो लिस्ट नहीं बनाओगे ना तो काम ज्यादा नहीं होने वाला है क्यों लिस्ट लिस्ट क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों लिस्ट सर मेरे पास तो लोग नहीं है ये कौन बोलता है जानते हो ना कौन बोलते है ना जो सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते जो सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते ना वो बोलते मेरे पास लोग नहीं है आज मैं कहानी सुना था शायद आप लोगों ने भी सुना हो ये कहानी सुदर्शन लेट सुदर्शन हमारे जो ब्रांड थीडर थे पुरी है। आपको सुन के हैरान हो जाओगे आज पंद्रह लाख सोलह लाख रुपए का चेक उनका घर में जा रहा है, है बहुत अलीशान बंगलो है उनके पास आज ये ये सर पृथ्वी में नहीं है वो चला गए गुजर गए लेकिन एक चीज में बोलना चाहता हूँ उनका जो नेटवर्किंग जब उन्होंने शुरुआत किया था वो मॉल के सामने लिफलेट देता था, था लोगों के पास लिफलेट देता था, था लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग के लिए शायद आप ये नहीं कर पाओगे आपके पास ऑलरेडी तो रिश्तेदार है सब कुछ है एक लिस्ट अब बना लो अब मिडिल क्लास की त्वार एक्ट मत करना नेटवर्क मार्केटिंग पे आप आ गए आपका एटीट्यूड आपका रिच माइंडसेट अब ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा लेना और देखना आपका तरक्की एक साल दो साल तीन साल एक साल आप सीखोगे दो साल सिखाओगे और तीन साल अब बहुत आमदनी आपका घर में जाएगा तो ये एक साल दो साल बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि यार मैं जब बताया कि ट्रेनिंग मिस मत करना मैं ट्रेनिंग के लिए मैं चला गया था सिंगापुर में सिंगापुर में मैं और मेरा अपलाइन चला गया था ट्रेनिंग लेने के लिए यूपीडब्ल्यू टॉनी रॉबिन्स हम लोगों ने किया वहां पर ट्रेनिंग लिया क्यों जानते ना मुझे सीखना है मुझे सीखना है अगर सीखोगे कामयाब बनोगे अगर सि... नहीं सीखोगे कामयाब कभी नहीं बनोगे और ये एक चीज और एक चीज में बोलना चाहता हूँ कोई काम कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है सब काम पॉसिबल है एक ही चीज होता है आप जब सीखोगे तभी ये पॉसिबल होगा शायद मैं मेरा 40 मिनट्स में मैं कुछ सिखा पाया आप लोगों को थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर गिविंग अ अपॉर्चुनिटी थैंक यू आई आई टू सीन वेरी मच यार सब लोग बहुत ही नोट uh, बना रहे हैं थैंक यू सो मच एवरी वन अवट टू भाई होस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जयदीप सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर कि आपने अपना शॉर्ट समय में अपना कीमती समय निकाला हमारी पूरी टीम के लिए एंड इट्स बिंग अ वंडरफुल जर्नी हम बहुत सारी आपकी बारे में सुना था और आज आपसे सुनने को मिला तो सच में बहुत ही इंस्पिरेशन मिली मेरा हिंदी भी ठीक आप... हो गया ना हाँ काफी बा... बांग्ला बोलते पा रहे ना अपनी राइट राइट यार ये लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मैं हिंदी मेरा आप जानते हो बंगोली का हिंदी कैसे होता है राइट तो मेरा हिंदी इतना